भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के शेयरों ने गुरुवार को नया कीर्तिमान रच डाला है। पीएफयू बैंक ने शेयर में पहली बार 800 के लेवल को पार करते हुए ऑल टाइम हाई लगाया। एसबीआई के शेयर में शानदार तेजी से एफएफएम में आई, जब एक्सिस और इंडस्ट्रीज बैंक में अपने नतीजे जारी किए। नतीजों में इन बैंकों ने शानदार प्रॉफिट गेन किया, जिस कारण गुरुवार को बैंकिंग सेक्टर में हरियाली छाई रही। एसबीआई बैंक स्टॉक गुरुवार को 4.23% चढ़कर 8.595 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने तक एसबीआई बैंक के शेयर 5.12% की तेजी के साथ 812.70 पर थे। एसबीआई बैंक के शेयरों में इतनी तेजी के बीच कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। एक्सिस सिक्योरिटीज के तकनीकी अनुसंधान प्रमुख राजेश पालवियर ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक पीयूष बैंकों में शामिल है। पालवियर ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में स्टॉक में 820-830 रुपयों का स्तर देखने को मिल सकता है। 750 रुपये पर स्टॉक लॉस बनाए रखा जा सकता है। मार्च तिमाही के लिए एक्सिस सिक्योरिटी ने अनुमान लगाया कि एसबीआई की एडवांस और डिपॉजिट बढ़ोतरी 14% और 11% होगी।